मूविंग एच जे आइजेंक और आइजेंक की थ्योरी है ने क्या बोल रहे हैं कि जो पर्सनैलिटी है वो दो अलग अलग सेपरेट डिफरेंट जोन्स में है, डायमेंशंस पे, एंड दीज आर टू ब्रॉड डायमेंशंस, अलग अलग डिफरेंट पार्ट पे है. आइदर अ पर्सन वुड बी इन न्यूरोटिसिज्म और इन इमोशनल स्टेबिलिटी. सो इमोशनल स्टेबिलिटी क्या हुई कि बंदा इमोशनली स्टेबल है, न्यूरोटिसिज्म में है बंदा इमोशनली स्टेबल नहीं है, एंशियस है, मूडी है, टची है, रेस्टलेस उसको फील हो रहा है, ये हो गया आपका न्यूरोटिसिज्म के अंदर. सो दिस इज व्हाट द फुल पिक्चर लुक्स लाइक, न्यूरोटिसिज्म वर्सेस इमोशनल स्टेबिलिटी. One side there's a dark clouds, problems and things and not able to understand, anxieties, depression and these kind of feeling. On the right side it is more of a calm feeling, yellowish color, calmness, looking out the emotional stability of a person. Moving to extroversion and introversion, तो जैसे हम already समझ चुके हैं extrovert versus introvert जो कि Carl Jung ने अपनी theory में बताया था. उसके बाद आइजेंक आते हैं और आइजेंक उस पर बात करते हैं इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन के अंदर कि या तो बंदा इंट्रोवर्ट होगा या तो एक्सट्रोवर्ट होगा, एक साथ नहीं होगा. कई बात में लोग आए जिन्होंने बोला इसके बीच में भी सबसेक्शंस हैं. ऐसा भी हो सकता है कि बंदे की जो प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक है वो एक्सट्रोवर्ट की है बट सिचुएशन के हिसाब से वो इंट्रोवर्ट बन जाता है, और बंदे की पर्सनैलिटी इंट्रोवर्टिज्म की है बट सिचुएशन के हिसाब से वो थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट बिहेवियर उस तरफ चला जाता है. मतलब देयर इज अ स्केल बिटवीन दिस. जैसे आपने ओमनीवर्ट सुना होगा वर्ड, एम्बिवर्ट सुना होगा वर्ड, तो ये इसके अंदर आता है. सो दिस इज हाउ इंट्रोवर्टिज्म वर्सेस एक्सट्रोवर्टिज्म फील्स लाइक, एंड दीस टू डायमेंशंस आर कंप्लीटली ब्राइट एंड वाइब्रेंट कलर्स बिकॉज दीस टू आर कंप्लीटली राइट. सो इंट्रोवर्ट इज काइंड ऑफ पर्सनैलिटी हु वर्क्स इनसाइड, एंड एक्सट्रोवर्ट इज काइंड ऑफ पर्सनैलिटी आल्सो मोर वाइब्रेंट एंड गोइंग आउटवर्ड टाइप ऑफ पर्सनैलिटी. इसके बाद आते हैं एच जे आइजेंक की थ्योरी के में साइकोटिसिज्म वर्सेस सोशिएबल पर्सन और सोशियबिलिटी. तो या तो बंदा सोशल होगा या तो बंदा एंटी सोशल होगा, या तो सोसाइटी उसको पसंद होगी या लोगों से मिलना जुलना पसंद होगा, लोगों से दोस्ती करनी पसंद होगी, या तो इसका ऑपोजिट होगा. एंड दिस इज हाउ साइकोटिसिज्म वर्सेस सोशियबिलिटी लुक्स लाइक. सो इन द लेफ्ट हैंड साइड यू विल सी अ पर्सन विद डार्क क्लाउडेड थॉट प्रोसेसेस, राइट, not connecting to people and things like that, individual hands up there. On the right hand side you will see more of a people connecting together, there's a butterfly and vibrant color. So this is more of a sociability that people wants to connect. ऐसा मानना था आइजेंक का, एच जे आइजेंक का, और स्केल को समझ पाने के लिए इस पैरामीटर्स के अंदर किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी को रख पाने के लिए he created a questionnaire, आइजेंक personality questionnaire. Which is a assessment of personality. तो बहुत famous theory है आइजेंक की, बहुत ज़्यादा use भी की जाती है. This ends our trained approach.